एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए दोबारा से एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य था, वहाँ का राजा लंगड़ा और काना था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने राजा के कारण सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा महल में घूम रहा था और उसने अपने पूर्वजों के चित्रों को देखा। उसने सोचा कि एक दिन उसके बच्चे भी इन चित्रों के माध्यम से सभी पूर्वजों को याद करेंगे। लेकिन राजा ने अपना चित्र नहीं बनवाया था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उसे यकीन नहीं था कि उसका चित्र कैसा बनेगा। इसलिए उसने अपने और अन्य राज्यों के कई प्रसिद्ध चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने तब घोषणा की कि वह महल में खुद का बना एक सुंदर चित्र रखना चाहता है। कोई भी चित्रकार जो इसे अंजाम दे सकता है, उसे आगे आना चाहिए। चित्र कैसा होता है, इसके आधार पर उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सभी चित्रकार यह सोचने लगे कि राजा तो लंगड़ा एवं काना है, उनके चित्र को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, यह संभव नहीं है। और यदि चित्र सुंदर नहीं निकला तो राजा क्रोधित हो जाएगा और हमें दंड देगा। तो एक एक करके सभी बहाने बनाने लगे और विनम्रता से राजा को उनके चित्र बनाने से मना कर दिया। लेकिन तभी एक चित्रकार ने हाथ उठाया और कहा कि मैं आपका एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया और अन्य चित्रकार उत्सुक हो गए। राजा ने उसे अनुमति दी और चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने चित्र को रंगों से भर दिया। काफी समय लेने के बाद उसने चित्र तैयार कर दिया। सभी दरबारी, अन्य चित्रकार उत्सुक और घबराए हुए थे। चित्रकार राजा के चित्र को सुंदर कैसे बना सकता है, क्योंकि राजा शारीरिक रूप से अक्षम है। क्या होगा अगर राजा को चित्र पसंद नहीं आया तो, और वह नाराज हो गया। लेकिन जब चित्रकार ने चित्र प्रस्तुत किया तो राजा सहित दरबार में सभी लोग दंग रह गए। चित्रकार ने एक चित्र बनाया जिसमें राजा घोड़े पर बैठा हुआ था, एक पैर की तरफ अपना धनुष पकड़े हुए और अपनी एक आंख बंद करके तीर से निशाना साध रहा था। राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि चित्रकार ने बड़ी चतुराई से राजा की अक्षमताओं को छिपाकर एक सुंदर चित्र बनाया है। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचना है। हमें कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने के बजाय अच्छी चीजों पर ध्यान देना सीखना चाहिए। यदि हम नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करने में सक्षम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून एंड बाय बाय।